वन पीस की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है या वो स्ट्रांग हुआ करता था। वन पीस के वर्ल्ड के अंदर अगर हम पावर सिस्टम को देखें तो आप बोलोगे कि जिसके पास में सबसे अच्छा डेविल फ्रूट होगा वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। एक स्ट्रांग डेविल फ्रूट की बात तो सही है, लेकिन वन पीस के वर्ल्ड के अंदर हाकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने वन पीस के अंदर ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स देखे होंगे जिनने अभी तक डेविल फ्रूट नहीं खाया, फिर भी वो अच्छे अच्छे कोई बैंड बजा सकते हैं, जैसे कि र्यूमा हो गया, गोल्डी रॉजर हो गया, शांक्स हो गया और अपना गॉड वैली का हीरो गार्प हो गया। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनने कोई भी डेविल फ्रूट ईट नहीं करा। लेकिन क्या होगा अगर एक बंदे ने अपनी हाकी को भी फुल्ली तरीके से मास्टर कर लिया और साथ साथ अपने डेविल फ्रूट को भी अवेकन कर लिया, फिर तो उसकी पावर लेवल कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। अभी के टाइम पर वन पीस के वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिन लोगों ने एक चीज में तो मास्टरी करके रखी है और लुफी ने अभी तक अपनी डेविल फ्रूट्स की पावर्स को पूरी तरीके से अनलॉक नहीं कराए। ऐसे दो ही बंदे थे जो कि वन पीस के अंदर कुछ ज्यादा स्ट्रांग थे। नंबर वन है अपना जॉय बॉय और सेकंड है अपना जी बैक। वाइट बियर्ड भी ऐसा एक स्ट्रांग बंदा था जो कि अपने प्राइम स्टेज में नहीं होने के बावजूद भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था। जब हमने वाइट बियर्ड को मरीन फोर्ड के ऊपर देखा था तब तो हमको लगा था कि भाई अभी एज तो बची जाएगा और वाइट बियर्ड तो सारे के सारे मरीन की बैंड बजा देंगे, लेकिन वाइट बियर्ड के उसके प्राइम स्टेज के अंदर ना होने की वजह से हमको उसकी फुल्ली पावर्स देखने को नहीं मिली। अभी फिलहाल के टाइम पे वन पीस के वर्ल्ड के अंदर यिमु सबसे बड़ा वाला थ्रेड बन चुका है, क्योंकि अगर फाइव गोरोसे जो कि पांचों के पांचों इतनी ज्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद यिमु को फॉलो करते हो तो यिमु की पावर तो कुछ ज्यादा अलग लेवल पे होगी। और भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी हमको फुली तरीके से पावर्स तो देखने को ही नहीं मिली है, जिनमें से नंबर वन तो आता है अपना ड्रैगन। ये भाई साहब स्टार्टिंग के वन पीस के एपिसोड में दिखा था, तब से बंदा गायब ही है। अभी तक हमको ये भी नहीं पता कि इसके पास में कौन सा डेविल फ्रूट और इसकी पावर लेवल क्या है। हमको बस यही पता है कि लुफी के फादर के पास में वेदर को कंट्रोल करने वाला कोई तो डेविल फ्रूट है, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और रही बात शांक्स और गार्प की, तो गार्प के तो हमको रिसेंट चैप्टर्स के अंदर थोड़े बहुत फाइट सीन देखने को मिले हैं, जहाँ पर ना ही वो अपने प्राइम स्टेज के अंदर था, फिर भी वो बंदा भाई कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्शन मजा आ रहा था। और रही बात शांक्स की, तो भाई रिसेंट चैप्टर्स के अंदर हमने देखा था कि भाई किड के पूरे शिप को भाई शांक्स ने एक ही झलक में डुबा दिया था। और हाँ, अभी तक हमको शांक्स के पावर्स के बारे में भी इतना कुछ पता नहीं चला है। वो बंदा बस अपने हाके के दम के ऊपर बड़े बड़े डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और भाई हम आउकुजी और अकाइनो को कैसे बोल सकते हैं, ये दोनों के दोनों अपने से काफी ज्यादा डिफरेंट है। जहाँ पर अकाइनो भाई साहब ने तो मरीन फोर्ड के ऊपर पूरे डोनोटी बना दिए थे, ये बंदा भाई पूरा का पूरा मैग्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब हमको फिर से अकाइनो बैटल के अंदर देखने को मिलता है। और रही बात आउकुजी की, तो हमने रिसेंट चैप्टर के अंदर देखा था कि भाई पायरेट आइलैंड के ऊपर उसने पूरे के पूरे बंदों को जमा के रख दिया था। और हाँ, हम सेनगोकू को कैसे भूल सकते हैं, भाई इस बंदे के पास में हिटोयोटो नोमी मॉडल दाइबुत्सु है। मरीन फोर्ड के अंदर इस बंदे ने पूरे के पूरे गोल्डन बुद्धा के अंदर ट्रांसफर होके दिखाया था। शायद से वो वन पीस के वर्ल्ड के अंदर पहला ऐसा अवेकन फॉर्म था जो कि हमने सबसे पहले देखा था। और रही बात मिहॉक की, तो भाई मिहॉक भाई सब आजकल कुछ ज्यादा ही छुप के रह रहे हैं। जब से भाई क्रॉस गिल्ड बनी है तब से मिहॉक तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो चुका है। अब वेट नहीं होता कि कब हमको मिहॉक और जोरो की फाइट देखने को मिलेगी, वो फुली जल्दी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो। क्रॉस गिल्ड की बात आई रही तो भाई अपने बग्गी समा को भी ले ही लेते हैं। भाई मैं तो भाई वेट कर रहा हूँ कि कब जाके अपने बग्गी समा को गुस्सा आता है, वो अपने डेविल फ्रूट को अवेकन कर लेते हैं। मेरे को तो स्टार्टिंग से ऐसा ही लगता है कि भाई बग्गी जाम्बोस की अपने आप को कमजोर दिखाता है, रियलिटी में वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग ही है। और अपने नए नए बने हुए यांको मार्शल डी टीच, ये भाई साहब ने तो भाई लॉ को पता नहीं एकदम से घेरे में ले लिया। उसके बाद से हमको ना ही लॉ का कुछ पता चला है, ना ही हमको मार्शल डी टीच का कुछ पता चला है। ये बंदा पता नहीं भाई ज्यादातर टाइम में बैकग्राउंड में रह के कुछ तो भी खुराफाती चीजें करता रहता है। अब तो भाई उसके क्रू के ऊपर सारे के सारे डेविल फ्रूट यूजर भरे पड़े हैं। तो अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से नंबर वन पे आती है यिमु, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और मैं बाकी कैरेक्टर्स को अभी फिलहाल रैंक नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका अभी हमको ट्रू पोटेंशियल देखने को नहीं मिला है। और बात रही लुफी की, तो लुफी ने अपने डेविल फ्रूट को अभी तक पूरी तरीके से फिगर आउट नहीं करा है। अगर वो अपनी इमेजिनेशन पे कंट्रोल कर लेता है तो शायद से हमको उसके बैडास पावर्स भी देखने को मिल जाए, क्योंकि गियर 5 के बाद में बस लुफी को अभी इमेजिन ही करना है। जो चीज वो इमेजिन करेगा उसी टाइप की पावर्स उसको मिलने वाली है। लेकिन लुफी का दिमाग तो अभी फिलहाल बच्चे जैसा ही है, इसलिए जो भी गूफी चीज उसके दिमाग में आती है वैसे ही वो अपने गियर 5 को यूज करता है। तो आपके हिसाब से अभी वन पीस के कैरेक्टर्स की पावर रैंकिंग क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। जरा मैं भी देखूं कि आपको क्या लगता है कि नंबर 1 स्पॉट पे कौन है और नंबर 10 पे कौन आता है। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।